हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल क्रिएट विद मनीषा। मैं मनीषा आज आप लोगों को एक सिंपल कुर्ती स्टिच करके दिखाने वाली हूँ। ये वाला कुर्ती मैं इससे पहले वीडियो में कटिंग करके दिखाई थी। इस कुर्ती में मैं सबसे आसान तरीका से इसका नेक बना के दिखाऊंगी, जिसमें कोई बकरम कोई एक्स्ट्रा झंझट नहीं होगा। तो इसको स्टिच करने के लिए सबसे पहले मैं कुर्ती का नेक का पीस को सीधा करके रख के उसमें एक्स्ट्रा कपड़ा जोड़ूंगी। तो एक्स्ट्रा कपड़े के लिए ये मैं इसका चौड़ाई ली हूँ 8 इंच और लंबाई में ली हूँ 12 इंच, 6 इसका डबल 12 इंच कपड़ा लेके कुर्ती का पीस को सीधा करके रखते हुए उसके ऊपर ये वाला कपड़ा को उल्टा करके रख के सेट कर लूँगी। सबसे पहले ये इस टाइप का कुर्ती बनाने में मतलब एक्स्ट्रा कोई झंझट नहीं है, हर कोई घर में बना सकता है। इसमें कोई बकरम नहीं चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा झंझट नहीं है। तो इसको हम पहले सेट करते हुए यहाँ पे चारों ओर से स्टिच कर देंगे। अब ये स्टिच करने के बाद ये चारों ओर से हम ये एक्स्ट्रा कपड़ा को कट करके अलग करके ले लेंगे। अब कट करने के बाद यहाँ का साइड से भी राउंड शेप से कट करके ले लेंगे, जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उसको। अब ये गले का सिले का साइड में छोटा छोटा स्टिच या कट दे देंगे और इस साइड से हम इसको मोड़ते हुए स्टिच कर लेंगे। अब स्टिच करने के बाद इसको इस तरह से अच्छी तरह से उंगली से नाखून से अच्छी तरह से सेट करते हुए पलट लेंगे। ऐसे करके नेक बनाने से वो बनना भी आसान है और ये पहनने में भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बकरम लगाने से वो बहुत बहुत को अनकंफर्टेबल फील होता है ये नेक का साइड से। इस टाइप का अगर ऐसे आसान तरीके से बनाए तो ये पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल होता है। तो हम इसका चारों ओर से चाप स्टिच दे देंगे। ये हम लोगों का फ्रंट साइड का नेक तैयार है। इसी तरह से हम लोग चारों ओर से हेमिंग करके सेट कर लेंगे। इसी तरह से हम लोग बैक का भी नेक रेडी करके ले लेंगे सेम प्रोसेस में। अब इसका शोल्डर ज्वाइन करेंगे। शोल्डर ज्वाइन करने के लिए हम इस तरह से फ्रंट साइड के ऊपर इसको फ्रंट साइड रखते हुए भी स्टिच दे सकते हैं। सीधी साइड से स्टिच देते हुए इसको पलटते हुए फिर और एक स्टिच दे देंगे। तो ये हम लोगों का कुर्ती का नेक तैयार है। अब इसमें हम लोग स्लीव जोड़ेंगे। तो स्लीव जोड़ने के लिए हम लोग पहले वाला वीडियो में इसका कटिंग दिखाए थे। अब इसका नीचे वाला बॉर्डर बनाएंगे। तो हम लगभग 1 इंच बॉर्डर बनाएंगे इसका। ऐसे करते हुए हम इसको स्टिच करके पहले से ले लेंगे। अब यहाँ पे
हम क्या करेंगे, जो हम पहले ऐसे ही काटे, कटिंग के टाइम में दोनों सेम ही था, ये अच्छा फिटिंग होने के लिए क्या होता है, फ्रंट पार्ट में थोड़ा डीप करके काटना पड़ता है आर्म होल साइड को। तो हम पहले नहीं काटे हैं, क्योंकि स्टिच करते वक्त जो जो बिगिनर्स है वो कभी कपड़ा छोटा पड़ जाता है, कभी यह हो जाता है, इसलिए ये हम स्टिच करने का बाद अच्छी तरह से सेट करते हुए थोड़ा डीप कर लेंगे। ये बिगिनर्स के लिए है, क्योंकि उन लोग स्टिच करते हुए कभी कभी किसी साइड में छोटा किसी साइड में बड़ा हो जाता है, तो इसलिए ये बाद में करने से अच्छा रहता है। तो इस तरह से फ्रंट साइड में फ्रंट पार्ट को हम ऐसे करके स्लीव के लिए भी स्लीव का भी इस तरह से सेट करते हुए एक साइड से हम डीप दे देंगे। ये फ्रंट पार्ट में ये डीप वाला पार्ट और फ्रंट पार्ट एक साथ जुड़ेगा। तो ऐसे काटिंग करते हुए ये जी इस तरह से जुड़ेगा। अब ये कुर्ती का फ्रंट पार्ट में डीप सेट में इस स्लीव का डीप सेट अटैच होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट दे देंगे स्लीव का। अब कुर्ती का सेंटर पॉइंट और स्लीव का सेंटर पॉइंट को एक साथ हम लोग सेट करते हुए इसको जोड़ देंगे। बस इस तरह से सेट करते हुए हम लोग स्टिच कर लेंगे। ऐसे हम लोग दोनों स्लीव जोड़ दिए हैं। अब इसका फाइनल स्टिच देंगे। तो आपका जितना ज़रूरत है उतना उस हिसाब से इसको पहले मार्क करते हुए इसको कमर तक फाइनल स्टिच देंगे। तो यहाँ पे हम लोग जो कटिंग देंगे कुर्ती का, वो मेरा वाला कुर्ती में मैं यहाँ पे 18 इंच में दूंगी। देते हैं तो आपका जितना ज़रूरत है उतने में आप कटिंग इसको रखिएगा। तो 18 इंच तक हम पहले स्टिच कर लेंगे साइड में। अब यहाँ का बॉर्डर सिलेंगे। तो बॉर्डर के लिए हम इस तरह से मोड़ के बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए ये बॉर्डर बनाने के लिए पहले नीचे वाला साइड से होते हुए कोई भी एक साइड नीचे वाला से लेते हुए इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसको स्टिच करेंगे। कुछ इस तरह से हम फोल्ड करते हुए इसको स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा देखने के लिए है, यहाँ से साइड से जॉइंट वाला एरिया में इस तरह से फोल्ड करते हुए बस यहाँ से मोड़ते हुए अच्छी तरह से हम इसको इस साइड से फोल्ड करके यहाँ से सीधा स्टिच करके फिर मोड़ लेंगे। बस इतना ही है। इस साइड जैसे हम लोग बॉर्डर को हम लोग मोड़े हैं उसका दूसरे साइड में भी इसी प्रोसेस में हम मोड़ के चारों ओर से बॉर्डर स्टिच कर लेंगे। ये बहुत ही आसान है ऐसे लॉन्ग कुर्ती बनाना, हर कोई घर पे बना सकता है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ये वाला प्रोसेस अच्छा लगा है। और अच्छा लगने से प्लीज़ आप लोग मुझे कुछ रिप्लाई दीजिएगा, जो आप लोगों को हेल्प हुआ है क्या नहीं, या अच्छा लगा है क्या नहीं। कमेंट्स का मतलब लाइक तो कर देता है हर कोई लाइक, लेकिन कमेंट्स करने से पता चलता है कौन मेरा साथ मेरा वीडियो देख रहा है, कौन किसको अच्छा लगा किसको बुरा लगा। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों का अगर थोड़ा भी फ़ायदा हुआ बा अच्छा लगा है तो मुझे प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। और
इसी टाइप का अगर आप लोगों को और भी कुछ सीखना है, जानना है, तो प्लीज़ वो मुझे मैसेज कीजिएगा, क्योंकि स्टिच तो हर कोई कर सकता है, लेकिन समझाना सिखाना हर कोई सेम प्रोसेस नहीं होता है। आप लोगों का अगर मेरा स्टिचिंग बात समझाना अच्छा लगे तो प्लीज़ और कुछ सीखना है तो मुझे बताइएगा। तो फ्रेंड मेरा वीडियो ये वाला यहाँ तक ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।